एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। बच्चे हमेशा एक बहुत अच्छी वंडरफुल और एक्साइटमेंट लेके आते हैं, तो उनको देखिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है मेरे अंदर का बच्चा आज बाहर आने वाला है ये मूवी देखने के लिए। सो एक्साइटेड हूँ डेफिनेटली दोनों का। एक्चुअली दोनों इन अ वे अडोरेबल है, दोनों की अपनी एक अपनी क्वालिटीज है, यू नो दोनों बहुत अडोरेबल है। डेफिनेटली देखने वाला हूँ, मेरे अंदर का आज बच्चा बाहर आने वाला है तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाला हूँ। वैसे भी अब शूट से मुझे छुट्टी मिली हुई है, सो ऑल द मूवी मैं आज एक बच्चा बनकर फुल डे इन्जॉय करने वाला हूँ। पॉपकॉर्न खाने वाला हूँ, कोक पीने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि इतने सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं। जनरली हम थिएटर्स में जाते हैं तो बच्चे बहुत कम होते हैं और उनके लिए रेयरली एनी मूवीज़ आर मेड, सो इट्स अ वेरी नाइस स्टेप कि बच्चों के लिए इतना एक मूवी ऐसी बनी है जिसमें कि स्पेशली बच्चे इन्जॉय कर सकते हैं। एंड आई थिंक ट्रेंड्स शुड चेंज कि बच्चों के लिए भी मूवीज़ बननी चाहिए। सो आई एम एक्साइटेड एंड इतने सारे बच्चों को खुश देख करके ऑलरेडी चेहरे पर स्माइल आ गई है। सो आई होप इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस एंड आई विश द एंटायर टीम अ ग्रेट सक्सेस। आई थिंक बचपन में तो जो सारा टाइम था वो एनिमेटेड जो कार्टून कैरेक्टर्स और ये सब सीरियल्स चलते थे वो ही देखने में बीता है। तो एंड ऐसा नहीं है कि अभी नहीं अच्छा लगता, अभी भी बहुत अच्छा लगता है। आई लव टिनटिन एंड आई लव एनिमेटेड सीरीज डकटेल्स एंड टेल्सपिन, ये मेरे फेवरेट शोज हुआ करते थे। सो अभी ऐसा है कि अभी फिल्म कम आती हैं बट आई रियली एन्जॉय। आई लाइक मोटो मोर बिकॉज वो थोड़ा टेडी टेडी टाइप है बट पतलू इज क्यूट एज वेल। मैंने ये पहले भी कहा था बट सॉरी टू से बट मैं आज शो नहीं देख पाऊँगा और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे एक्चुअली देखना था और बहुत एंजॉय करना था आप सबके साथ और मेरे दूसरे जो भी दोस्त यहाँ पे आए हैं आज उनके साथ बहुत मुझे एंजॉय करना था बट आज मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे कुछ काम से मेरा शूट है तो मैं हनुमान के शूट के लिए जा रहा हूँ तो आज पॉसिबल नहीं है देखना, तो सॉरी। एनिमेटेड वैसे पहले लाइक करता था जैसे मैं छोटा था, जब सेवेंथ में सिक्स में पढ़ता था जब मेरी एज कम थी तब मैं बहुत देखता था और मुझे पॉपाई वगैरह कार्टून्स लाइक पोकेमॉन वगैरह बहुत पसंद था, वहाँ के उसके सभी कैरेक्टर्स पसंद थे बट फिलहाल मैं देखता नहीं क्योंकि मुझे एक्चुअली अब वो चीज़ों से ज़्यादा मुझे मूवीज़ देखना पसंद है तो फिलहाल मैं नहीं देखता बट आज देखने का मन था क्योंकि आपने काफ़ी दोस्त भी थे तो उनके साथ एंजॉय होता था। मैं सच बताऊँ तो मैं पतलू को ज़्यादा एंजॉय करूँगा क्योंकि आई एम ऑल्सो पतलू, सो मैं उन्हीं को सपोर्ट करूँगा। हमको क्या पसंद है, मोटू पसंद है कि पतलू पसंद है? हम लेट हो रहे हैं यार, आप लोग समझ नहीं रहे हो, पिक्चर शुरू हो गई है, हम पिक्चर देखने आए हैं, इधर हमसे बाइट ले रहे हो, हम इनको एक बाइट कर दें क्या? अच्छा क्या पसंद है जल्दी बता दो। मोटू, उसे मोटू पसंद है। मोटू, अरे हमारे ज़माने में जैसे बात करो 10 साल पुरानी तो बात है यार। हम लोग एक्चुअली स्पीकिंग हमारे ज़माने में संडे को 10 बजे कुछ आता था आधे घंटे के लिए कार्टून, उसमें मिकी डोनल्ड आता था और टॉम एंड जेरी आता था और शायद एक बार नॉटिंग भी आता था, मेरे ज़माने में तो नहीं आता, तुम्हारे में आता था। तो हम वही देखते थे, वी यूज़ टू वेट संडे को दोपहर में या सुबह 9:30-10 बजे आता था वो देखते थे, बाकी तो कॉमिक बुक्स पढ़ते थे। अब मैं यही बोल रहा था, इनको समझा रहा था गाड़ी में कि यार हमारे ज़माने में तो कॉमिक बुक्स बता रहा था बट आई डोंट नो हाउ टू टेल हर कॉमिक बुक्स क्योंकि आजकल तो होती नहीं है। तो ये लोग कार्टून देखते हैं, अब उन कार्टून की फिल्म भी आती हैं, वो भी देखते हैं, कितने लकी हैं लोग। अब इनके ज़रिए हम भी देखेंगे मोटू पतलू, हम भी अपना बचपन वापस जिएंगे, राइट ना? शी इज़ नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल, शी वॉन्ट्स टू गो एंड वॉच द फिल्म। बहुत ही क्यूट लगा नाम और मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए एंड बच्चों की एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है एंड आई बिलीव एनीवे सच काइंड ऑफ फिल्म्स बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत पॉजिटिव होती है एंड सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी प्राउड कि ये फिल्म बनी है। मैं जो हमारी हॉलीवुड वाली आती है मैडागास्कर या आई सेज, आई एंजॉय देम व्हेन आई गो आउट विद माय फ्रेंड्स, बड़े ग्रुप में जाते हैं देन आई थरली एंजॉय देम एंड अपने छोटे भाई के साथ जाती हूँ तब क्योंकि वो विजुअल्स बहुत अच्छे होते हैं, स्टोरीज़ बहुत ही लार्जर देन लाइफ होती है, लाइक लायन किंग हैड कम एंड बहुत ईजिली कनेक्ट कर लेती हूँ स्टोरीज़ के साथ, दे सो वेल मेड। तो आई एम श्योर कि ये भी उसी तरह ही उसी लेवल पर जितना एस्पायर कर रहे हैं हमारे इंडियंस, आई एम श्योर इट्स रियली गुड। सो
मोटू बहुत पसंद है, वेरी क्यूट नाम. एंड ऑफकोर्स मैं वॉइस आर्टिस्ट को भी कहना चाहती हूँ कि उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते रहे.